So now we are going to talk about the polar grid. For this I have selected the polar grid from this list which I get from right clicking from the mouse and then selected polar grid tool. Now polar grid tool is just like some type of circle. You know that a circle have different circle inside it, a big circle, and then there are so many types of circles inside it and there are dividers. Now we are going to see some properties of this. I don't want this divider. Four dividers are here. I want only one divider and I want only two concentric circles. So what I do, so here you can see concentric dividers and radial dividers. If I'm talking about the concentric divider, so I'm going to make it one, and radial dividers is four. So click it OK. So what you get, जो concentric divider था वो तो one है, that means ये circle, और जो radial dividers है वो हमारे four हमने select किए, that means एक दो तीन चार. अब इसको हमने select करके यहाँ पे हम in और out, radial dividers in and out, bottom और top कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं. तो हम इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं तो क्या हुआ कि जिस तरीके से इसका हमने इसका जो डिजाइन था ये वाले का, जैसे ही हमने चेंज किया उसके इन एंड आउट वाला कंसेंट्रिक डिवाइडर और रेडियल डिवाइडर की जो स्क्यू प्रॉपर्टी है, हमने जैसे ही उसको चेंज की -66 और -56 में गए तो क्या हुआ, 56% वो जस्ट अपोजिट में आ गए सारे के सारे. ठीक है, तो ये हो गया कंसेंट्रिक सर्कल्स. अब हम बात करते हैं कि हमने इसे सिलेक्ट कर लेते हैं हम इस वाले को. अब यहाँ से मैंने फिल अपीयरेंस में जाके एक कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ मैं रेड, तो ये कलर्ड हो गया. या मैं ये कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ ये कलर, और स्ट्रोक साइज हम इंक्रीज कर देते हैं. आई एम गोइंग टू इंक्रीज इट अप टू 6 points और उसका ओपेसिटी कम कर देती हूँ मैं 50. तो कुछ इस तरीके से दिखने लगता है. अब भाई इसमें जो स्ट्रोक आ रहा है वो कलर ब्लैक नहीं अच्छा लग रहा है, तो मैंने क्या किया कि डबल क्लिक किया इस कलर पे जो ब्लैक है और यहाँ से रेड सेलेक्ट कर लिया, तो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा. मुझे लगा कि भाई ओपेसिटी अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसे ओपेक कर देती हूँ वापस से, तो मैंने वापस से ओपेक कर दिया. तो इतना सा काम होता है हमारे पोलर ग्रिड का. और अगर हमें एक और बनाना है तो एक और बना लेती हूँ मैं कुछ इस तरीके से, और डबल क्लिक करती हूँ यहाँ पर और यहाँ से ज़ीरो कर देती हूँ मैं. ओके सी, तो एक केवल सर्कल बन गया. कई बार क्या होता है कि हमें ज़रूरत नहीं होती है कंसेंट्रिक डिवाइडर्स की, और तो हम रेडियल डिवाइडर्स के, अगर कई बार क्या होता है कि वी डोंट नीड अ रेडियल डिवाइडर्स, तो रेडियल डिवाइडर्स मैंने हटा दिए और मैंने ज़ीरो कर दिया रेडियल डिवाइडर की जो वैल्यू थी, और कंसेंट्रिक को हमने वन कर रखा है. तो वन कर रखा है तो सी, तो वन सर्कल आ गया, एक तो होगा ही होगा, और वन उसके ऊपर एक आउटसाइड सर्कल बन गया. अब मैंने कहा कि मुझे ये कंसेंट्रिक डिवाइडर जीरो करने हैं और ये वन बनाना है सी. तो कंसेंट्रिक सर्कल की बात तो मैंने की, तो सर्कल तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसमें जो डिवाइडर है वो वन लिया मैंने, तो कुछ इस तरीके से बन गया. नाउ वी आर गोइंग टू सी रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल. फॉर रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल आई एम गोइंग टू अगेन क्लिक ऑन टू द फाइल एंड देन क्लिक ऑन टू द न्यू, देन आई गॉट इट एंड क्रिएट इट. ग्रिड टूल, जैसे कि हमने देखा ये ग्रिड टूल है. यहाँ पे कई बार क्या होता है, हम कई बिल्डिंग्स बनी हुई होती हैं कई तरीके के, उसमें जब हम मॉडलिंग के लिए यूज करते हैं तो वहाँ पे ग्रिड्स ऑटोमेटिकली बनी हुई होती हैं. तो ग्रिड्स बने होते हैं, विंडोज यूज किए जाते हैं, है ना. तो विंडोज बना, सी दिस इज आई हैव मेड विद द हेल्प ऑफ द ग्रिड, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल, जिसमें रेक्टेंगुलर ग्रिड्स होती हैं और आप इसे बना सकते हैं, ताकि आप, कई बार क्या होता है 3D मॉडलिंग करनी होती है हमें, तो जब हम 3D मॉडल्स प्रिपेयर करते हैं
तो उसमें हमें बिल्डिंग्स का लुक देने के लिए क्या करते हैं, हम विंडोज इफेक्ट बनाते हैं, लाइट इफेक्ट्स आती है, कई बार हमें इसे डिस्प्ले करना होता है। और कई बार क्या होता है, इस पैटर्न को यूज़ करके हम, जैसे कि क्या होता है कि हमने ग्रिड यूज़ कर लिया और ग्रिड के अंदर आइकन्स को प्लेस कर दिया, तो आइकन्स प्लेस करेंगे तो भी हमें एक अच्छा इफेक्ट मिलता है, या फिर हमें ग्रिड्स को बड़ा करके हम कुछ और इफेक्ट हमको डिवाइड करना होता है किन्हीं चीज़ों में, या फिर कई कई पोस्टर्स ग्रिड्स में होते हैं, जैसे कि ABCD अप टू जेड तक लिखना पड़ती है, तो कुछ ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के लिए हम रेक्टेंगुलर ग्रिड यूज़ कर सकते हैं, कई बार पैटर्न के लिए भी यूज़ की जाती है। तो ग्रिड एक बहुत ही अच्छा टूल होता है, तो कुछ इस तरीके से बनाने के लिए हम किस तरीके से यूज़ करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ओपन द फाइल, तो प्रेस कंट्रोल एंड फ्रॉम द कीबोर्ड एंड देन यू कैन सेलेक्ट ए4 साइज और यू कैन सेलेक्ट, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइजेस ऑफ पेपर्स आर हेयर, सो यू कैन सेलेक्ट एनी वन, सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द ए4 साइज कैनवास, सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द ए4 साइज कैनवास एंड यू कैन फाइंड आउट हेयर सो मेनी टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनवास आर हेयर, सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनवासेज आर हेयर, तो क्लिक ऑन टू द क्रिएट एंड देन क्लिक ऑन टू द ग्रिड एंड नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट ग्रिड लाइक दिस। अब मैंने स्ट्रोक का साइज इंक्रीज कर देती हूँ मैं, तो स्ट्रोक का साइज मैंने 12 पॉइंट्स रख लिया, और यहाँ से मैं कलर चेंज कर देती हूँ, दैट इज रेड कर देती हूँ मैं, और फिल कलर में ले लेती हूँ मैं, सो सी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं और देख लेते हैं कि नंबर ऑफ हॉरिजेंटल डिवाइडर्स अभी कितने हैं। अभी हमारे पास हॉरिजेंटल डिवाइडर्स हैं 5 5 हैं अभी, और ये नेक्स्ट 5 का बन गया, सी ये नेक्स्ट 5 बन गए, ये नेक्स्ट 5 बन गए, जैसे हमने सेम कॉपी बन गई एक और, तो इस तरीके से हम सेम सेम कॉपीज बना सकते हैं एंड कुछ इस तरीके से इसको लुक दे देते हैं यहाँ से। अब हमने चाहे कि हमारी इस वाली की कॉपी भी बन जाए तो हम क्या करेंगे, फिर से इस पर सेलेक्ट करेंगे, ग्रिड ले लेते हैं एक और यहाँ से सेलेक्ट किया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं हॉरिजेंटल डिवाइडर्स में सिर्फ एक लूँ और नंबर ऑफ वर्टिकल डिवाइडर भी एक ही लूँ, अब देखते हैं। ये हमने देखा, अब मैं चाहती हूँ कि मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैं, जैसे कि मैंने बोला रेक्टेंगुलर ग्रिड की बात हो रही है तो 1 1 तो होगा ही होगा, एक लाइन तो होना ही चाहिए, दैट मीन्स प्लस प्लस, और उसमें हम ऐड तो कर ही देंगे, प्लस का साइन जैसा बन जाएगा, और क्योंकि बाई डिफॉल्ट कितना होगा, एक एक लाइन, और हमने जब एक दो जोड़ दिया उसमें तो क्या बन गई, ग्रिड बन गई रेक्टेंगुलर। अब मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ से 2 दे दिया और वर्टिकल डिवाइडर एक ही रह दिया, तो ये देखो ये वर्टिकल डिवाइडर तो एक ही है, ये वाला, ये लाइन दिख रही है एक ही है, और एक तो रहता ही है उसमें, तो 2 और अब हमारे बन गए जब हमने 2 दिया। अब मैंने फिर से इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं फिर से एक बनाती हूँ, और यहाँ से अभी प्रॉपर्टी क्या सिलेक्टेड है, जब हमने ये बनाया था वर्टिकल डिवाइडर में एक है, वर्टिकल डिवाइडर एक है और हॉरिजेंटल डिवाइडर्स 2 बन गए, एक और 2, मैंने यहाँ पे दिया कि वर्टिकल डिवाइडर एक ही रहे और हॉरिजेंटल डिवाइडर 5 हो जाए, सी 1 2 3 4 5, अगर हम कैसे काउंट करेंगे, 0 1 2 3 4 5, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारा इंडेक्सिंग चलती है ना, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे चलता है, तो ये काउंट कैसे होगा, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, तो हमारे पास जो हॉरिजेंटल डिवाइडर्स हमने बना दिए वो 5 बना दिए। तो ये बात ध्यान रख लें कि जो काउंटिंग चलती है वो ऐसी चलती है। अब हमने फिर से एक चीज बना लेते हैं, यहाँ से फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे,